नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है फ्री स्टडी इन जर्मनी, उससे रिलेटेड रहेगी। तो ऐसा है, जितनी मेहनत करेंगे उतने रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, उतने कंफर्ट आप रहेंगे। जितनी कम मेहनत करेंगे तो उसमें आपको ही प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा है कि कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, बच्चा बड़ा खुश है कि वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है और उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो फीस है आप ये लेकर चलिए कम से कम 12,000 से लेकर 16,000 यूरो की है जर्मनी के अंदर, 12 से 16,000 यूरो की। तो बच्चे का तो यही है कि बस जर्मनी का वीज़ा मिल गया है, बस मैं जा रहा हूँ विदाउट आयल्स हैं और वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर वो हमारे पास आता है ऐसा बच्चा, मैं उसकी प्रोफाइल चेक करता, चेक करने के बाद उसके 10th 12th के परसेंटेज चेक करता, उसके बैचलर के परसेंटेज चेक करता, देखने के बाद उसको मैं कुछ सुजेस्ट करता या स्ट्रेट फॉरवर्ड कर कह देता कि आपका केस हमसे नहीं हो पाएगा। देखो, प्राइवेट में एडमिशन लेना, मैं हर एक बच्चे को ये बताना चाहूँगा कि जो जर्मनी में जाता है, तो आप जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप किसी कंसल्टेंट को अगर हायर भी कर लेते हैं प्राइवेट के नाम पर, अगर किसी के पास जाते हैं आप उसको कहते हैं कि सर मैंने जर्मनी में जाना है, तो आपको 50-60% ये कहेंगे जर्मनी में क्या करने जाना है, वहाँ क्या स्कोप है, वो वैसे ही नेगेटिव कर देता है। ठीक है, अच्छा, जो अनदर 50% आ जाते हैं उनके पास जाते हैं तो वो आपको ऑलवेज रिकमेंड करेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में उसने आपको रिकमेंड किया है, आप उसमें आपने लेवल पर डॉक्यूमेंट भेज दिए तब भी आपका एडमिशन आ जाएगा, आपका फिर भी एडमिशन आ जाएगा, आप अपने फ्रेंड का भेज देना तब भी आ जाएगा। कंपिटेंसी तब मैं आपके कंसल्टेंट की मानूं कि वो आपका एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से लगवा कर दे जहाँ पर फ्री स्टडी है, फिर मैं कहूँगा ही इज़ वेरी कंपिटेंट। प्राइवेट में मैं फिर तो बता रहा हूँ कि उन्होंने तो एडमिशन बांटने हैं, आप एक बार डालो उनको मेल, दे फोन पे फोन स्टार्ट हो जाएंगे, 3,000 यूरो भेज दीजिए जी, आपका एडमिशन कन्फर्म है, 6,000 यूरो भेज दीजिए जी। बच्चे ने फर्स्ट टाइम अप्लाई करना होता है, उसको कोई भी अवेयरनेस नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कंपिटेंट हूँ, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गलतियाँ कर करके ही इंसान सीखता है। तो अगर आपने जर्मनी में जाना है, अगर आपने किसी कंसल्टेंट का नॉलेज भी चेक करना है, तो एटलीस्ट हमारी फ्री वीडियोज ही वॉच कर लें, उससे जाकर वो क्रॉस क्वेश्चन करें, तो देयर आफ्टर आपको एनालाइज हो जाएगा कि उसमें उसका क्या इंटरेस्ट है, तो आपको क्या इसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं। तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है फ्री स्टडी इन जर्मनी, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोज़ वॉच करें, फ्री में इंफॉर्मेशन लें, फ्री में अपना नॉलेज बढ़ाएं, उसके बाद डिसीजन लें। आप हमारे पास आते हैं, प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी है तो जर्मनी के लिए फर्स्टली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अपना आयल्स करें, अगर वहाँ पर फ्री में पब्लिक यूनिवर्सिटी में लेना है एडमिशन। तो अभी आता है क्वेश्चन कि क्या आयल्स मैंडेटरी है या पीटी मैंडेटरी है। ऐसे है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है एम्बेसी की कोई भी, इसकी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना है तो दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू दो स्टूडेंट जो आयल्स के साथ एप्लीकेशन डाली हुई है, आपके ग्रेड अच्छे हैं, तो फर्स्टली नेचुरली उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे मेरे पास आता तो मैं उसी बच्चे को पहले प्रायोरिटी दूंगा ना कि यार इसका तो एडमिशन आ जाएगा, इसको लेते हैं, तो विदाउट आयल्स का ट्राई करेंगे कि हम ट्राई, अच्छा उसका हम ट्राई भी करते हैं तो उसको हम ये कह देते हैं कि आपको वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में बाइलिंगुअल में भी एडमिशन मिल सकता है, जर्मन टॉट में भी और इंग्लिश टॉट में भी, तो उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं वहाँ पर विदाउट आयल्स भी। हाँ, हमारे पास अनदर ऑप्शंस भी है, हम बच्चे को ये भी बता देते हैं कि आपको वहाँ पर जर्मन टॉट में भी आपकी मास्टर डिग्री में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपको सारी की सारी अपनी मास्टर है जर्मन टॉट में करनी पड़ेगी। तो आपने जो जर्मन लैंग्वेज भी है, जो जर्मनी लैंग्वेज भी है, जो जर्मन लैंग्वेज वो भी वहाँ जाकर सीखनी है, वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस के अंदर, उसकी फीस भी आपने वहाँ जाकर पे करनी है, वो भी इंस्टॉलमेंट के अंदर, उनके एक लेवल का A1 A2 B1 B2 ऐसे है, 300 यूरो से लेकर 400 यूरो एक लेवल की फ़ीस है। तो आप ये लेकर चलिए अप टू V2 लेवल तक आप अपने 2,000 यूरो या 2,500 या 3,000 में सीख सकते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंटों में, वो भी फीस वहां जाकर पे करनी है, उसके बाद आपकी बैचलर मास्टर डिग्री स्टार्ट हो जाएगी, वो भी फ्री है। तो अभी बच्चे ने वो भी बिलीव नहीं करना, क्योंकि हमने कह दिया कि सर मैं ट्राई करूंगा और आपके केस के 50-50 चांसेस है, वो फैक्ट सुनने के लिए नॉट लीस्ट पर्सन इज इंटरेस्टेड, उसको तो जो ड्रीम दिखाएगा, ड्रीम क्या हो सकते हैं,
हम आपका 100% करवाएंगे। ले जर्मनी क्या, हम तो कल ही आपको भेज देते हैं, पुराने वीज़ा दिखाएंगे, देखो हमारे जर्मनी में कितने फेक चीज़ों में ट्रैप में यू आर मतलब इजीली कम इन द हैंड्स ऑफ दैट पीपल्स। फैक्ट वाले जो बताते हैं कोड़ा जरूर लगेगा, जैसे ना आंवला खाते हैं, जब खाते हैं तो कोड़ा होता है, उसमें बाद में उस मिठास की आती है उसके जब टेस्ट, तो इसी तरीके से है, जो कड़वा है पहले कड़वा लगेगा, बाद में लगेगा रियलाइज हाँ यार इन्होंने सही कहा था। इसी तरीके से क्राउन इमिग्रेशन है। तो वहां पहुंचने के बाद मेरे पास जो सिचुएशंस हुई हैं बच्चों के साथ, फिर हमें फोन करते हैं, सर मैं जर्मनी पहुंच गया, तुसी सही किया सी, मैं पंजाबी दे विच भी बोल देना थोड़ा जहां, चलो हिंदी में बोल, कि आपने सही कहा था कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ही जाएं, यहां पर ऐसे बेनिफिट्स हैं, तो अभी सर मेरा प्रोग्राम चेंज करवा दीजिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। तो फिर फीस वो उस पहले आरडी यूनिवर्सिटी को फीस दी है 6-7 हज़ार, 12,000-16,000 यूरो की, अभी उसको चेंज कराने के लिए मेरे जैसे को फिर फीस है। तो उसको सेव करवाने की बजाय, आप मेहनत करने की बजाय मोटिवेशंस में आप ज़्यादा आते हैं, दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ ऑल ऑफ द कंट्रीज। तो आपको अगर इंडिया के अंदर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जहाँ आप अपने आप को सीरियस समझ लेते हैं, आप 3 से लेकर 6 मंथ तक अपनी प्रिपरेशन आयल्स में कर लेते हैं या जर्मन लैंग्वेज सीखने में कर लेते हैं, वो मच बेटर देन टेकिंग द ड्रीम्स, फेक ड्रीम्स फ्रॉम द अनदर पीपल्स। वो आपने लेना है कि हाँ वहाँ जाकर लाखों रुपये दे देने हैं, आपने जो 6-7 लाख रुपये की फीस भेजी ना, जहाँ पर 50,000 रुपये आयल्स में इन्वेस्टमेंट कर देते तो आपकी सारी फीस बच जाती, पर वो नहीं है आपने सुनना, आपने सुनना वही है जो फेक है। एनी हो, अगर आप जर्मनी में बैचलर में जाना चाहते हैं, देर इज़ ए नंबर ऑफ वे, मैंने 5 वे बताए हुए हैं बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए। कुछ चीज़ें मैंडेटरी है, टेस्ट एज मैंडेटरी है, APS करवाना पड़ेगा, जो JEE मेन एडवांस किया उनके लिए क्या प्रिविलेज है, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग IB से की हुई है या GCSE बोर्ड से की हो उनके लिए क्या प्रिविलेज है, जो CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, ICSE बोर्ड के हैं या स्टेट बोर्ड के हैं, वो कैसे जर्मनी में जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने उन चीज़ों के अंदर क्लियर की है। टेस्ट एज एग्ज़ाम कैसा है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन स्टूडिंग कुलीग किन बच्चों के लिए एग्जामेशन है, स्टूडिंग कुलीग के थ्रू जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, 13 साल की स्टडी किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, बहुत टेक्निकली चीज़ें मैंने अपनी सब वीडियोज़ के अंदर डिस्कस की हुई है। इवन मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या APS जरूरी है या टेस्ट एज जरूरी है या नहीं है, तो विदाउट आयल्स या विद आयल्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, NC प्रोग्राम क्या है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स कौन से हैं, बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर मैंने ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कशन की हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं, थोड़ी मेहनत करें उसके बाद डिसीजन लें। जर्मनी में कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट, आपका वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका है, रिमोन्स्ट्रेशन किस वे से डाल सकते हैं, वी कैन सुजेस्ट टू, क्योंकि वी हैव टेकन ए नंबर ऑफ केसेस थ्रू रिमोन्स्ट्रेशन, ऐसे भी किया हुआ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ऑलवेज अवॉइड करता हूँ, जब का हमने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ 1 या 2 स्टूडेंट्स को ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजा होगा, जो बहुत ही डेस्परेट थे, जाना ही है सर मुझे भेज दीजिए, मैंने प्राइवेट में मैं देख लूँगा जाकर, अदरवाइज वी आर नॉट टेकिंग एनी केस जो कहते हैं कि हमने प्राइवेट में जाना है, यहीं से कह देते हैं कि भैया वेस्ट मत कर पैसे, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाखों रुपए बच सकते हैं अगर थोड़ी मेहनत कर लेगा। तो अगर आप किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, मैक्सिमम पैसा वीज़ा लगने के बाद है हमारे, बहुत सारी वीडियोज़ में बताएं, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, सारी ट्रांसपेरेंसी ओपन काम करते हैं, डिसीजन आपका है आपने कौन से कंसल्टेंट के थ्रू जाना है, एटलीस्ट हमारा सोशल मीडिया चेक करें उसके बाद डिसीजन लें। और लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि जर्मनी से रिलेटेड अगर आपके कोई फ्रेंड की भी क्वेरी है उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, और लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना, थैंक यू।